गाइस, वेलकम टू माय चैनल फातिमा ज़हरा व्लॉग्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि न्यू बॉर्न बेबी से लेकर ऑलमोस्ट 1 ईयर तक बेबी को कौन सा दूध पिलाना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं कि बेबी को बेसिकली कौन सा दूध पिलाएं, तो आज मैं आपको ये बताऊंगी। जो मैं अपनी बेबी को भी पिला रही हूँ वो भी बताऊंगी, और ऑल सब बेबीज़ को जिसको अगर बेबी को कोई इश्यू हो तो उसे क्या पिलाना चाहिए, हम ये डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। चलिए चलते हैं, लेट्स स्टार्ट माई वीडियो। सब ये हैं मेरे पास दूध के डब्बे, आप सब सारे देख सकते हैं सामने। अब मैं आपको बताऊंगी कौन सा सबसे अच्छा है और आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। ये है आम गाय का दूध, जो घर का दूध होता है, आप देख सकते हैं। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, उनको अब जो पहले का कॉन्सेप्ट होता था, पहले डॉक्टर पहले जो है लोग पिला लेते थे, तो बाद में उनको जाती बात काफ़ी डिजीज़ वगैरह काफ़ी इश्यूज भी होते थे। तो अब न्यू साइंस से, न्यू रिसर्च के मुताबिक ये जो गाय का दूध है ना, इसको मैं साइड करती हूँ, ये बच्चों को अब नहीं पिलाना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि ये वाले जो दूध है ना, इसमें आयरन नहीं होता, ठीक है। और ये जो फार्मूला मिल्क है, इन्हें फार्मूला मिल्क कहते हैं, ठीक है। ये जो फार्मूला मिल्क होते हैं ना, इसमें आपको बच्चे के लिए जो नीड्स बच्चों को चाहिए होती हैं, आयरन वगैरह चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए, तो वो सब मिला के ये दूध बनते हैं, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो है ना, इनको प्रोसेस से गुजारा जाता है, फिर जाके ये दूध बनता है। अब ये जो सिंपल दूध है ना, इसमें आयरन नहीं होता। अब जो आप बच्चों को स्टार्ट करवा देते हैं सिंपल दूध, न्यू बॉर्न्स को स्टार्ट करवा देते हैं कि जी सिंपल दूध पिए, ये बहुत ताकत है इसमें, ये वो, जैसे लोगों की पहले मिथ्स हैं बनी हुई हैं, तो बात ये है कि जो फिर जब वो बच्चे पी लेते हैं, उनको रैशेज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं। रैशेज़ होने के बाद फिर बार बार डॉक्टर से बात चेक कर, कभी मोशन लग जाते हैं, कभी कुछ, कभी पेट में दर्द। तो उसकी रीज़न ही ये होती है कि बच्चों को ये आप दूध स्टार्ट करवा देते हैं, क्योंकि ये बच्चे का स्टमक जो होता है ना, वो अभी उसको इतना हैवी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये हैवी दूध होता है। और ये जो दूध न्यूज़ रिसर्च के मुताबिक जो डॉक्टर्स ने बनाया है, ये जो दूध है ना, इसमें आपको आयरन भी मिलता है, और आपको वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं जो बच्चा इनिशियल स्टेज में आराम से जो है ना ले सकता है, उसको ज़रूरत होती है जिन चीज़ की, जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो बेबी ले सकता है। अगर आप ये वाला दूध स्टार्ट करवा देते हैं ना, गाय का दूध, तो बच्चे जो बच्चे ये दूध पीते हैं ना, उनको खून की कमी भी हो जाती है, क्योंकि इसमें आयरन नहीं होता और इनमें आयरन होता है। अगर आप ये पिलाते नहीं तो बेबी को आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होती, लेकिन अगर आप सिर्फ ये पिलाएं तो आपको आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। आप 1 ईयर तक बेबी को ये वाला दूध मत पिलाएं, और ये पिलाएं, और ये फार्मूला वाला मिल्क इसको पिलाएं। और अगर बेसिकली अगर आपको है कि अगर आपको शुरू करवाना है, तो आप एटलीस्ट 6 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद बेबी को थोड़ा सा जो है ना दूध बगैर पानी से की मिलावट किए हुए आप ये वाला दूध इसको बच्चे को पिलाएं, और उसको चेक करें कि उसको कोई मोशन वगैरह लगते हैं, कोई रैशेज वगैरह तो नहीं हुए। अगर बच्चे को नहीं होते तो आप इसको स्टार्ट करवा सकते हैं कि एक दफ़ा ये फीडर बना दिया और फिर 2-3 टाइम ये दे दिया, इस तरह आप स्टार्ट करवा सकते हैं। लेकिन आपको पहले उसके लिए चेक करना पड़ेगा कि क्या रिस्पॉन्स है, वो भी आप 6 मंथ के बाद इस बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मोस्टली डॉक्टर यही रिकमेंड करते हैं कि साल से पहले ये दूध गाय का नहीं स्टार्ट करवाना चाहिए, यही दूध स्टार्ट करवाना चाहिए। और अगर आप स्टार्ट करवाते भी हैं तो पहले चेक करें कि बच्चे को लूज मोशन लगते हैं कि नहीं, और पर उसको 1 टाइम ये दें और 3 टाइम ये दे दें, जितने बाकी टाइम्स वो पीता है, 3-4-5 टाइम्स, तो उसको ये फार्मूला वाले मिलते हैं। अब बात आती है, इसको हम करते हैं साइड पर, बात आती है कौन सा फार्मूला मिल्क अच्छा है। पड़े हुए हैं फार्मूला मिल्क के बॉक्सेस, ठीक है। अब हम देखते हैं नाम इनके, बढ़ते हैं। फर्स्ट वाली का नाम है नेस्ले नैन ऑप्टी प्रो 1, ठीक है। सेकंड का नाम है BF1 इन्फेंट फार्मूला, नोमलूद बच्चों के लिए फार्मूला, ठीक है। और अब इसको बढ़ते हैं थर्ड वन को, इस पर भी लिखा हुआ है नेस्ले नैन ऑप्टी प्रो 1, ठीक है। ये नौ मौलूद बच्चों के लिए फार्मूला है, ठीक है। और ये लास्ट वन, ये देखते हैं, ये देखें, इस पे लिखा हुआ है नेस्ले नैन AR थिकेंड फार्मूला फॉर बेबीज हु स्पिट अप, दूध निकालने वाले बच्चों के लिए गाढ़ा फार्मूला, ठीक है। इसके ऊपर दूध के बॉक्स के ऊपर ये लिखा हुआ है। अब इसके बारे में बात भी करते हैं, इनके नेम थे। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं नेस्ले ऑप्टी प्रो 1।
ये दूध इन सब दूध में सबसे अच्छा है, ठीक है। अगर आपने अपने न्यू बॉर्न बेबी को स्टार्ट करना है तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी नेस्ले ऑप्टिप्रो 1। ये न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए बहुत अच्छा है। 6 मंथ तक आप इसको ये पिलाएं, 6 मंथ के बाद नैनग्रो ऑप्टिप्रो 2 स्टार्ट करवा दें, ठीक है। नेस्ले नैनग्रो जो है ना 2, वो स्टार्ट करवा दें, लेकिन 0 से लेकर 6 मंथ तक आप ये पिलाएं। मैं अपनी बेबी को भी यही पिलाती हूँ, ये बहुत अच्छा दूध है। और आपको एक और इन्फॉर्मेटिव बात बताऊँ कि कुछ बच्चे जो होते हैं उनको दूध माफिक नहीं आता, ये बच्चों बच्चों पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मेरी नेफ्यू को, ठीक है, अब आप ये उसको दूध उसको सूट नहीं किया, ठीक है, और इसी तरह तो उनको स्टार्ट करवाया गया ये बीएफ उनको स्टार्ट करवाया गया कि बीएफ उनको स्टार्ट करवा दिया जाए। तो जब उनको बीएफ स्टार्ट करवाया गया तो वो उनको उसको सूट किया। तो इसकी अगर नैन ग्रो के ऑल्टरनेटिव बीएफ है, अगर आपकी बेबी को नैन ग्रो नहीं सूट कर रहा तो आप इसको बीएफ 1 भी स्टार्ट करवा सकते हैं, ये भी उतना ही अच्छा है। और इनकी प्राइसेस भी सेम है, 1800 है, सेम प्राइसेस हैं इनकी, ठीक है। ये जो छोटे बॉक्सेस हैं इनके, इससे बड़े भी मिल जाते हैं, और ये इसकी प्राइस भी सेम है। और ये जो है ना, आप अल्टरनेटिव ये स्टार्ट करवा सकते हैं। सम टाइम ये होता है ये शॉर्टेज हुआ हो तो ये मिल जाता है, अगर आपको दूध नहीं मिल रहा तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं BF1, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं आपको अपनी एक और एक्सपीरियंस बताती हूँ, मेरी भांजी को ये BF1 जो है उसको सूट नहीं किया था, तो जब उसको नैन ग्रो पिलाया गया तो उसको वो सूट कर गया। ये बेबी बेबीज पे डिपेंड करता है, और आपने ये चेक करना है कि आपकी बेबी को क्या सूट करता है। मेरी बेबी को ये सूट करता है तो मैं उसको ये पिलाती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो नेस्ले है ना, ये इसका जो बॉक्स है ये 1800 का आता है। तो अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि ये नेस्ले ऑप्टिप्रो में सेम टू सेम ये वाला भी बॉक्स मिल जाए और इसकी प्राइस का इतना डिफरेंस है, ये 700 का है, क्या ये और ये सेम है नैनग्रो? जी, ये मैंने डॉक्टर से, चाइल्ड स्पेशलिस्ट से भी पूछा है, और इसके बारे में रिसर्च काफ़ी की है। जी, ये बिल्कुल सेम है। अगर आप, ये सिर्फ पैकिंग का डिफरेंस है, ठीक है, ये सिर्फ पैकिंग का डिफरेंस है। आप क्या करें, एक दफ़ा ये बॉक्स लें, डब्बा लें, या इसमें दूध ख़त्म हो जाए तो आप ये वाला मंगवाना शुरू कर दें, ये 700 का पड़ता है, ठीक है। आपने इसमें से पैकेट निकाला और इसमें दूध सेव कर लिया। बेसिकली ये वो जो है ना, इसमें दूध सेव नहीं रहता सेहत, क्योंकि आप ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। तो आप इसको जो है ना, इसमें से जो पैकेट, उसमें पैकेट होता है, जब आप पैकेट खोल लेंगे तो ज़्यादा बात उसको हवा लगेगी और वो दूध ख़राब हो जाएगा, इसलिए ये पैकिंग डिफरेंस की वजह से ये एक्सपेंसिव है। तो आप एक दफ़ा ये बॉक्स ले लें, जब ये ख़त्म हो जाए ना दूध, तो आप ये दूसरा स्टार्ट करवा दें, ठीक है। और इसमें से पैकेट निकाला और इसके अंदर डाल दिया, और आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये सेम है, ठीक है, जस्ट पैकिंग का डिफरेंस है। और नेक्स्ट, अब हम आते हैं थर्ड बॉक्स की तरफ है। इस दूध के अगर आप डब्बे पे फोकस करें, इस पर लिखा ही हुआ है ये नैन नेस्ले नैन AR थिकन फार्मूला फॉर बेबीज हु स्पिट अप। जो बेबीज़ को दूध निकालने का स्पिट अप का मसला है ना, जो दूध को निकालते हैं, गर्ड का जिन इश्यूज़ है, एग्जैक्टली जिन्हें गर्ड का इशू है ना बेबीज़ को, जो बहुत सारे बेबीज़ हैं न्यू बॉर्न, उनको गर्ड का इशू होता है, वो दूध निकालते हैं, ठीक है, उनके लिए ये दूध बेस्ट है, ठीक है। और जो है ना, अगर आपको बेबी को मसला है कि गर्ड का इशू है, दूध निकाल रहा है, तो आप उसको ये दूध स्टार्ट करवाएं, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अब हम मेरे जो है ना नेफ्यू को इशू था कि वो दूध निकालता था, ठीक है, उसको गर्ड का इशू था, तो आप उसके लिए पहले नैनग्रो भी ट्राई किया, बीएफ भी ट्राई किया, बट उसको कुछ भी सूट नहीं कर रहा था। तो फिर एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने हमें रिकमेंड किया कि आप इसको नैन AR पर, AR जो है ना ये थिकेंड फार्मूला, ये स्टार्ट करवाएं। इसके अलावा एक और दूध है, वो भी मैं इसको इसकी जो है ना आपको दिखाती हूँ, वो भी पिक्चर में, मैं आपको पिक्चर आपको शो करवाऊंगी, ठीक है, वो आपको पिक्चर शो हो रही होगी बल वीडियो में, ठीक है। वो और ये दूध, ये गर्ड बच्चों, गर्ड के लिए है कि जो बच्चे दूध निकालते हैं ना उनके लिए बेस्ट है, ठीक है, और जिन्हें रिफ्लेक्स का इशू है, जो दूध निकालने का इशू है ना बेबीज़ को, उनके लिए बेस्ट है। आप उसको दूध को ये पिलाएं तो उनके लिए ये बेस्ट है। मैं तो उसके लिए, उन बच्चों के लिए ये रिकमेंड करूँगी। और इसके साथ एक और पिक्चर है जो आपको शो हो रही है, ये दोनों आप अपनी बेबी को पिलाएं, ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है।
और आप इसका नेम नोट कर लें। मैं तो ये रिकमेंड करूँगी जो बच्चे दूध निकालते हैं उनके लिए बेस्ट है। जब से हमने ये पिलाना शुरू किया है उसको ये इशू नहीं हुआ, उसने दूध नहीं निकाला, तो ये उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। और अब का दूध कैसे बनाना है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपने अगर आपने अपने बेबी को सही क्वांटिटी में दूध पिला दें हैं तो उसका स्टमक ठीक रहेगा, नहीं तो अदरवाइज उसको मोशन का भी इशू है, कॉन्स्टिपेशन का भी इशू होगा, ठीक है। तो अगर आपको क्वांटिटी में बताती हूँ कि किस दूध दूध की कौन कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, ठीक है, ये देखते हैं। ये मेरे पास फीडर है, ठीक है, इसके आपको ऑनसेज शो हो रहे होंगे, ठीक है, कैमरे में इसके आपको ऑन शो हो रहे होंगे। ये जो 20 लिखा हुआ है ना, 20 ये होता है वन ऑन्स, ठीक है, 42 ऑन्स, 63 ऑन्स, ठीक है, ये ऑन्स का हिसाब होता है। ये इवेंट का फीडर है, ये बहुत अच्छा फीडर है, ठीक है। और जो है ना, इसमें मैं आपको दूध बना के दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। अगर वन ऑन्स है तो उसमें कितना आप दूध डालेंगे और कितना पानी डालना है, ठीक है। अगर वन ऑन्स अगर आप बनाते हैं ना बेबी के लिए, तो जैसे अब उसकी बहुत सारी वीडियोस होती हैं उन पर लिखा होता है 1, 2, 3, 4, 5 वन ऑन्स यानी 20, ठीक है, फिगर उस पर क्लिक करेंगे, 2 ऑन्स 40, 3 ऑन्स 60, 4 ऑन्स 80, ठीक है। तो अब हम क्लिक करेंगे, अब मैं बनाऊंगी 1 ऑन्स, ठीक है। अब वन ऑन्स दूध के लिए हमें कितना पानी रिक्वायर्ड है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने इसका निकाला है, ठीक है। और आपने पानी, मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप तो एक्वाफीना या फिर नेस्ले, ये दोनों पानी आप ब्रांड का पानी ही यूज़ करें। और अगर आप सिंपल घर का पानी यूज़ करते हैं तो पानी बॉईल करके उसको किसी थर्मस वाले में या किसी जग में डाल के सेव करें और उसका बच्चे को फीडर बना के पिलाएं। ये जो आम सिंपल पानी है बॉईल किए हुए बगैर पानी को नहीं पिलाएं। अगर आपका ये नेस्ले या एक्वाफीना है तो आप इसको ऐसे पिला सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कैसे बनाना है। ये देखें, यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4, ये एक तरफ ये लिखा हुआ है और एक तरफ ये ओंस लिखे हुए हैं, 1, 2, 3, 4। अब मैं 1 ओंस बना रही हूँ, ठीक है, ये 1 आपको शो हो रहा होगा, 1, ठीक है। ये मैं 1 ओंस ही मैंने बनाने के लिए 1 ओंस ही पानी लेना है। ये देखें, ना उसे 1 ओंस ऊपर है ना उसे 1 ओंस नीचे है, ठीक है, एग्जैक्टली उतना लेना है। अगर आप थोड़ा बहुत भी कम ज़्यादा लेते हैं तो आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का या फिर जो है ना मोशन लगने का खतरा हो सकता है। फार्मूला मिल्क की यही एहतियात करना बहुत ज़रूरी होती है। देखें, आपने ये लिया ऐसे स्पून, ये देखें दूध क्यों कैसे डालना है वो भी आपको बताती हूँ। ये दूध, ये इसका बना हुआ है, ये निशान आपको नज़र आ रहा होगा, ये निशान, ये जो ब्लेड सा बना हुआ है ना, आपने 1 स्पून लेना है। ये न्यूली मॉम के लिए बहुत अच्छी वीडियो है, ठीक है। ये स्पून लिया, ठीक है, भरा और इसको इस तरह क्लीन किया, इससे ये बिल्कुल बराबर होगी, ठीक है। आपको 1 चम्मच बिल्कुल बराबर हो गया, ना कम ना ज़्यादा। आपने इसको ये फीडर में डाल लिया 1, ठीक है, 1 ओंस में 1 ही दूध जाएगा, ठीक है। 1 ओंस में अगर आप 1 ओंस बना रहे हैं तो आपने 1 चम्मच ही दूध का डालना है। अगर आप 2 ओंस बना रहे हैं तो आप 2 चम्मच दूध के डालेंगे। तो मैं 1 ओंस बना रही हूँ तो मैं उसमें 1 चम्मच ही डाल रही हूँ, ठीक है। आपने ये डाला, इसको कवर किया, ये फीडर का कैप लगाया आपने, ठीक है, या आपने इसको कैप को लगाया और आपने इसका बेबी का फीडर शेक किया अच्छे से, ऐसे शेक किया आपने। आपने दूध को अच्छे तरीके से शेक करना है, जितने अच्छे तरीके से आप दूध को शेक करेंगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। और आप ज़्यादा बबल्स नहीं बनाने, ठीक है, और नॉर्मल आप मिक्स करें अच्छे से, ठीक है, और आप इसको दूध बच्चे को पिला दें, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 आवर्स के लिए होता है, ठीक है। और अगर गर्मी है तो गर्मी अगर ज़्यादा है तो फिर हो सकता है आप 1 घंटे बाद उसका दूध चेंज कर दें। सपोज क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं दूध फौरन पी लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं थोड़ी देर लगा के पीते हैं, तो थोड़ा सा करके पीते हैं। तो आप अगर आपके 2 घंटे से ज़्यादा दूध है तो आप मम्मत इस्तेमाल करें, नया दूध बनाएं, ठीक है। अगर गर्मी ज़्यादा है तो आप देखें उसको 1 घंटे तक ठीक है कि नहीं, तो आप 1 घंटे तक ही इस्तेमाल करें, नहीं तो फिर नया बनाएं, क्योंकि बेबीज़ के मामले में बहुत एहतियात करनी पड़ती है, ठीक है।
थी, आई होप यू लाइक इट, आपको पसंद आई होगी। अब बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आई थिंक आपको इन्फॉर्मेटिव चैनल बहुत पसंद आया होगा, तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है स्पेशली फॉर न्यू मॉम्स। थैंक यू सो मच।